ये देखो यहाँ पर ये रही विस्की की चोट, ये विस्की की लगी हुई, पता नहीं बाहर गई थी उस दिन घूमने, पता नहीं इसके कोई लकड़ी लगी कि क्या लगा है ना पैर में, ये देखो इधर इधर साइड में चुभा था, इधर पूरा पकोड़ा सा बन गया था। बारिश में भीगने के लिए 1 2 3 और इसको खाने के बाद हमारे दांत आंत सब कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। ऐसे थोड़ी ना खाने, आराम आराम से खाना, एक ही तो पैकेट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, है ना। और देखो सुबह हो चुकी है और बारिश पड़ रही है बहुत जबरदस्त, है ना। ये देखो लग भी नहीं रहा कि मार्च का महीना आ गया है। मार्च में तो होली के बाद इतनी गर्मी होती थी और यहाँ पे दोबारा से स्वेटर पहननी पड़ रही है ना। देखो बहुत बारिश पड़ रही है मेरे ऊपर, देखो बारिश बना लिए। गॉड। और मम्मी भी फ्रेश नहीं हुई, भाई भी, मम्मी भी बिस्तर में है, भाई भी, भाई फोन चला रहे हैं, हम तो उठ के फ्रेश भी हो गए, पापा ये रहे, है ना। और सीमा क्या कर रही है मैं आपको भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे बिस्की के हाल कैसे आँख सेक रही है, ओए बल्ब, इसकी आंखों के बल्ब कैसे दिख रहे ना, डर लग रहा। यहाँ पर सीमा नाश्ते में क्या है, सीमा यहाँ पे चावल की रोटी बना रही है और सब्जी में क्या है, फूल गोभी। अच्छा फूल गोभी मिक्स, फूल गोभी मटर मिक्स, है ना। बाकी चाय वगैरह नाश्ते में हमारे ये है। नाश्ता तो बन के तैयार हो गया लेकिन नाश्ता खाने वाले नहीं उठे अभी तक, है ना। एक बार और चल रहे फ्रेंड्स बारिश में भीगने के लिए, 1 2 3 बहुत मजा आ रहा है, कसम से बहुत मजा आ रहा है। अगर मेरे पास फोन नहीं होता ना मैं अभी क्या अभी नहाती, है ना। बहुत मजे आ गए, फोन भी गया। मैं ना भूत बन रखी है ना, पता है मैंने ना बाल भी नहीं बाए, सूखे हो रहे मेरे बाल, मैंने बाल धुले थे ना तो, है ना, तो अब बाऊंगी मेरे बाल, है ना। और यहाँ पर देखो हमारी बिस्की के हाल, बारिश में भीगो और फिर आग सेको। ये भीगी क्या बारिश में? नहीं, इसका पैर दुख रहा है, पैर को नहीं बताया तुमने? हाँ इसका पैर ना, पता है पहले था, बीच में अभी ठीक हो गया था इसका पैर ना, हमने हल्दी तेल लगाया था तो ठीक होके आ गया था। ये देखो यहाँ पर ये रही विस्की की चोट, ये विस्की की लगी हुई, पता नहीं बाहर गई थी उस दिन घूमने, पता नहीं इसके कोई लकड़ी लगी कि क्या लगा है ना पैर में, ये देखो इधर इधर साइड में चुभा था, इधर पूरा पकोड़ा सा बन गया था, ये फूट गया है कसम से। इससे पहले तो चला नहीं जा रहा था लेकिन फिर ठीक होने लग गया था और बस फिर पता नहीं पक गया ये, और बस चूहे खाई ना इसने तो गर्म है वो, तो पता नहीं किससे हुआ है भाई, गर्मी तो रहती है जानवर के अंदर, ये देखो है ना, तो गर्मी से पक गया है, तो अब देखो थोड़ा ठीक होके आएगा तो देखते हैं। भाई बोल रहा था कि पशुओं के डॉक्टर पे लेके जाएंगे इसको, लेकिन ये तो दिखाएगी भी नहीं, डर लग रहा है, जाएगी जाएगी कैसे। पता है क्या हुआ कल ना, इसका पैर भीग गया रस्सी में और मैंने सोचा कि इसकी गर्दन घुट गई, अब मैं उसको ऐसा उठा दी, इसने इतने पंजे मारे ना मेरे हाथ में, मैंने बहुत तेज, अभी तक दर्द हो रहा है, बहुत पंजे मारती है ये, इसने ऐसा ऐसा छू रहा, बहुत पंजे मारती है। और गाड़ी से तो इतना डरती है तो जाएगी कैसे वहां तक, है ना, डर लगता है, फिर कहीं से रास्ते में से छुटके भागी तो फिर हो गया इसका काम, इसलिए हम सोच रहे कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए ऐसी, है ना। बाकी तेल वेल लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी तो फिर ले जाने पड़ेगा अगर ठीक नहीं हुआ तो, है ना। हो जाएगा ठीक, हो गया ना, कल से वो हो गया ना। बाकी तो आप भी नाश्ता करोगे ना, आपकी हरी बारिश पड़ी होगी तो आप भी मेरी तरह नहा रहे होंगे पागल की तरह, है ना। बाकी तो और तो बिस्तर में बैठे होंगे सब, कोई बिस्तर में बैठा होगा, कोई फोन चला रहा होगा, इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई खाना खा रहा होगा, है ना, बहुत सारे काम होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होंगे, कोई बाहर घूम रहा होगा, बारिश देख रहा होगा। मैं चलती हूँ नीचे और लाती हूँ मैं अपने लिए नाश्ता, गर्मा गर्म नाश्ता रे, गर्मा गर्म नहीं मतलब सब्जी तो ठंडी हो रही, बाकी रोटी चाय गर्म है। अबे ये अभी तक नहीं उठे क्या? ये देखो यहाँ पर भाई की जबरदस्त चैटिंग चल रही है स्पीड से।
व्हाट्सएप में है ना। और ये देखो बाबा यहाँ अकेले अकेले चाय पी रहे, जब कोई उठ ही नहीं रहा तो है ना। बाकी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मतलब नाश्ता बर्तन में कर लेती हूँ और छत में खाऊंगी। लो लाइट चली गई है, मैं सोची लाइट चली गई, लाइट नहीं गई, पापा ने बल्ब बंद कर दिया। पापा अंधेरा हो गया यहाँ पे, अंधेरा नहीं हुआ था। नहीं मैं ले हूँ नाश्ता जबरदस्त, यहाँ पे हमारी गोभी की सब्जी एंड मटर एंड चाय एंड उधर रोटी और एंड बिस्किट। तो वही रोटी से वही रोटी खाएंगे यार हम। ले भाई खा ले यार, गरम खाते। देख चावल की रोटी कितनी जबरदस्त हो रही गाइस, आप भी आ जाओ ना प्लीज जल्दी से। आप भी आओगे तो मुझे बहुत खुशी होएगी, बनानी तो पड़ेगी नहीं लेकिन सीमा बनाएगी, लेकिन आप आ जाओ। खाना पेट भर गया फिर मुझे मजा आएगा जब सीमा रोटी सेकती रहेगी सेकती रहेगी सेकती रहेगी। ठीक है नाश्ता कर लेती हूँ ना। इसकी को क्या दिख रहा यार, रोटी दिख रही क्या, पता नहीं क्या सुन रही है अब इसके कान उठा उठा के। तो अब भाई ने तो नाश्ता कर लिया है और मम्मी नाश्ता कर रही है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या हो गया ऐसे ऐसे सीरियस क्यों? तो दोस्तों मैं अभी जस्ट मैंने अभी किया है नाश्ता एंड अभी वर्षा करने जा रही है शायद। नो मैं सीमा के लिए लेके जा रही हूँ, मैंने कर लिया सीमा के लिए ले आ रही है। बाकी तो बारिश बाद फिर मौसम खराब हो गया, मतलब दिन अच्छा खासा था कल तो, और आज फिर पूरा दिन ऐसे हो गया, मतलब 90% बारिश आज। अब देखते हैं शाम तक कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स बता अब हम खाएंगे जबरदस्त कुरकुरा, माय फेवरेट कुरकुरा। क्या है ये? टकाटक, क्या बोलते हैं इसको? टकाटक। एक बार टकाटक खाइए और अंदर से पूरे स्ट्रोंग हो जाइए, ये हमारा कहना है। और यहाँ पर देखो विस्की तो स्ट्रोंग हो रही है, विस्की का अलग पैकेट ला रखे हम, ये देखो विस्की खा रही है यहाँ पर। सबसे स्पेशल, सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग चीज मैं खा रही हूँ, रोटी। रोटी वो भी क्यों की रोटी, गॉड। तो हम इसे खाएंगे है ना, तो मैं खोल लेती हूँ इसको। मेरे दांत स्ट्रांग नहीं है, हम टकाटक खा के भी स्ट्रांग करते हैं। अरे तो खत्म है, तो कुछ भी नहीं है, ले उसकी। आ जाओ गाइस, तो हम खाएंगे टकाटक और इसको खाने के बाद हमारे दांत आंत सब कुछ स्ट्रांग होने वाला है। ये मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। बताने को तो ऐड बोलते हैं, कोई बात नहीं, चलता है सब चलता है। ठीक है तो अब हम यहाँ पे आप तो खा नहीं रहे हो, ऐसे थोड़ी ना खाने, आराम आराम से खाने, एक ही तो पैकेट है। कई दिन चला लड़कियां ऐसे खाती हैं, तो मैं लड़कियां हूं ना, मैं बच्चा तो ना उन्हें नन्ना खाऊंगा। ठीक है बिस्की देखो कितने प्यार से खा रही है ना, प्यार ऐसे खाते हैं तोड़ तोड़ के। हमें इस जानवर से सीखना चाहिए। चटपटा हो रहा, आप भी आ जाओ ना फ्रेंड्स खाने के लिए, मैंने मना नहीं किया। आप सोचोगे अकेले अकेले खाई, नहीं मैंने बोला है आप आ सकते हो। तो यहाँ पर देखो बारिश बंद हो चुकी है और पूरी फैमिली देखो बिस्तर में बैठी है अपना, है ना। ये देखो भाई पापा मम्मी और इधर सीमा बर्तन धुल रही है, मैंने झाड़ू लगा दिया, बाकी तो काम फाइनल हो गया है, इसके ऊपर है ये देखो। यहाँ पर देखो पापा ने पन्नी लगा दिया ऊपर, ये देखो है ना अपना, इसमें यहाँ जिन्ने पे बारिश नहीं आएगी, वरना पहले नीचे पानी जा रहा था बारिश का। और ये देखो सुबह से ना बारिश ही पड़ रही थी, अब जाके थोड़ी धूप निकली है, ये देखो। ये देखो फैमिली यहाँ पर है और भाई जा रखे दूध लेने के लिए, वहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं फुटबॉल, बाकी सीमा यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है अभी तक बादल हैं काले काले,
है ना। बाकी इधर थोड़ा धूप निकल गया है क्योंकि सूरज के ऊपर से काले काले बादल हट चुके हैं, तो सूरज देवता दिखाई दे चुके हैं, है ना। सूरज मौसम है तो भूल ही गई थी। हाँ। ये खेल रहे हैं यहाँ पर बच्चे फुटबॉल, है ना। बाकी इधर पापा अपना बीड़ी पी रहे हैं, है ना, टाइम पास कर रहे हैं। इधर मम्मी घूम घाम के आके बैठ गई हैं, अब सुनाएंगे कोई ना कोई रामायण, है नहीं, कथा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो आप भी इंजॉय करो अच्छे से धूप को, है ना। आपके यहाँ भी निकल गई होगी लाइट के जलाए अच्छे से, है ना। चुप रह ले, जलाई है ना मैंने, है ना। तो ये देखो अच्छे से इंजॉय करो आप भी धूप को, बाकी हम सीमा लेंगे। अभी ये सीमा इसके लिए बिस्की के लिए रोटी सेक रही है, बाकी इधर बाहर पे मम्मी का भी हो गया खाना और पापा का भी, बस भाई रह गया, भाई कर रहे हैं खाना, अपना खाना मैंने भी कर लिया है, सीमा भी करेगी अभी। सिंगले की सब्जी और चावल की रोटी, है ना। आप देखो बिस्की कैसे कर रही हो भाई, विस्की को लग रही है भूख बहुत ज्यादा, तो विस्की बेसब्री से इंतजार कर रही है मेरी मेरी रोटी कब आएगी कब आएगी, है ना। विशु, ओ विशु, है ना। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना और अपना ख्याल रखना और इंस्टा में फॉलो कर लेना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, अपना एंजॉयमेंट करिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।